Good morning, students. Welcome you all in today's session. This is our first lecture in 2020. So we are starting from our lesson number 2, that is formulas and functions. I choose this lesson directly because you already covered MS Excel in your standard 6th, right? So some more commands we will learn in this class, and the lesson name is formulas and functions. It is very much clear what we are going to do in this lesson. We will learn formulas and some functions. Let's start. What is formulas and what is function, right? One of the important attribute of Excel is its ability to perform calculation either using a formula or a function. In this chapter, we will learn the basics of formulas and functions and how they can be used in different scenarios. Formulas, first of all, formulas. Formulas are the user-defined instruction to perform calculations. Formulas ke andar hum apne hisab se, user ke hisab se, kuch instructions computer ko dete hain, jiske base pe wo calculation ko perform karta hai, calculation puri karta hai. Whereas functions are the predefined and inbuilt formula that come with Excel. और functions वो है जिसके अंदर हम सिर्फ range डालेंगे कि किस data के ऊपर हमें वो function लगाना है. इसके अंदर हम अपनी ओर से change नहीं कर सकते, ये already बना बनाया formula होता है, या आप बोल सकते हैं उसको. Formula के अंदर हम अपने according formula बनाते हैं और functions बना बनाया formula है, right? तो सबसे पहले start करते हैं formulas in Excel. Formulas are used to perform calculation involving addition, subtraction, division and multiplication, etc. और भी बहुत सारी calculation है, but basics force यहाँ पे लिखी गई है. आपने इसी के ऊपर ही ध्यान देना है अभी. Formulas establishes a relationship between two or more cells. दो या दो से ज्यादा cells को, ये cell क्या होता है और rows क्या है, columns क्या है, ये already हम 6th standard में कर चुके हैं, लेकिन in this video I will also cover all these important terms again, right? So don't worry. तो दो या दो से अधिक सेल के बीच में जो हम कनेक्शन बनाते हैं, उसके अंदर से डाटा का जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तो इट इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी इंक्लूड सेल एड्रेसेस, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस होते हैं ब्रैकेट्स, राइट? यूजिंग इट यू कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. इन सब चीजों को यूज करके, सेल एड्रेस को यूज करके, नंबर्स को, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को एंड पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स को यूज करके हम आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को कर सकते हैं. अ फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद एन एग्जैक्ट विद एन इक्वल टू साइन, इक्वल टू सिंबल, फॉलोड बाय द सेल रेफरेंसेस एंड ऑपरेटर्स. सेल रेफरेंसेस होता है कि सेल का एड्रेस, के कौन से सेल के डाटा को आपने उठाना है, यूज करना है, ठीक है? और ऑपरेटर्स का मतलब होता है साइन, जैसे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे के सारे साइन. इनको बोलते हैं ऑपरेटर्स. इट मे कंटेन अ फ्यू और ऑल ऑफ द बिलो मेंशनड एलिमेंट्स, कि ये सारे के सारे, या तो कुछ या सारे के सारे एलिमेंट जो नीचे दिए गए हैं, ये सारे ये यूज कर सकता है. अब सबसे पहले है रेफरेंसेस क्या होते हैं. सेल रेफरेंस, व्हाट इज सेल रेफरेंस? अ सेल रेफरेंस, सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वॉन्ट टू इंक्लूड इन योर कैलकुलेशन. जो भी आप डाटा इकट्ठा कैलकुलेशन के लिए यूज करना चाहते हैं, दैट इज रेंज और सेल रेफरेंस. दूसरा है ऑपरेटर्स, ये मैंने आपको बता दिया. ऑपरेटर के अंदर सारे के सारे सिंबल्स यूज हो जाएंगे, कुछ और साइन भी हैं आपके, जैसे मल्टीप्लाई के लिए स्टार और पावर्स के लिए एक्सपोनेंटेशन, परसेंटेज, डॉलर साइन, हैश साइन, ठीक है? और डिवाइड के लिए स्लैश ये आप यूज कर सकते हैं, वो इसके अंदर मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? कॉन्स्टेंट्स, नंबर ऑफ और टेक्स्ट वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज. कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो सके, राइट? जो फिक्स्ड रहता है, और वो होते हैं हमारे नंबर्स या जो भी टेक्स्ट आप उसके अंदर लिखोगे, ठीक? उसके बाद है फंक्शंस, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल. ये सारी सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे. एलिमेंट ऑफ द फॉर्मूला, क्या क्या एलिमेंट है? कॉन्स्टेंट, यानी जैसे ये 5, इसमें इसने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, 8 इक्वल टू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है सबसे पहले लिखना, इक्वल टू ए टू प्लस बी टू मल्टीप्लाई 5,
ठीक है, माइनस सम ऑफ किसका, E3 से लेकर E5 तक। तो ये एक डायरेक्टली इसने एक फॉर्मूला आपके सामने बना दिया। इस फॉर्मूला के अंदर इसने जो जो हमने ऊपर पढ़ा है इसके बारे में बताया गया है। देखो सेल एड्रेस ये जो लिखे हो A2 B2 E3 E5, दीज ऑल आर सेल एड्रेसेस, राइट। और कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है कि जैसे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। रेंज क्या है, E3 से लेके E5, ये होगी हमारी रेंज। उसके बाद क्या है, इक्वल टू सिंबल हो गई बात ये, और फिर ये साथ में क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे प्लस डिवाइड, ये सारे सारे मैथमेटिकल, और ये माइनस, ये हमारे सर मैथमेटिकल ऑपरेटर है, यानी साइन है कैलकुलेशन के लिए। तो ये सारी बातें हुई क्रिएट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको एक फॉर्मूला को आपको मैं करके दिखाता हूं अभी, कैसे आप फॉर्मूला के अंदर एडिशन कर सकते हैं। ये मैं एक एक्सेल की कोई भी फाइल ओपन कर देता हूं, एंड आई एम इनलार्जिंग द साइज सो दैट यू कैन व्यू इट वेरी क्लियर। अब आप देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये जहां भी मैंने क्लिक किया हुआ है, ऐसे देखो यहां कर दिया, इधर कर दिया, जहां भी मैं चाहूं तो वहां पे मैं क्लिक कर सकता हूं, और जहां भी मैं क्लिक करूंगा तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ बॉक्स, इट्स नेम इज नेम बॉक्स। ये देखो ये इसका नाम है नेम बॉक्स। इसमें जो भी जहां भी आप इसको क्लिक करेंगे वो कौन से कॉलम में है और कौन से रो के सामने है वो बॉक्स, वो सेल, तो उसका एड्रेस बन जाता है सी कॉलम है 2 रो है, तो ये इसका एड्रेस बन गया C2। तो आपको यहां देखने की जरूरत नहीं, आप सीधा नेम बॉक्स में देखिए, वहां से आपको पता लग जाएगा। जैसे नाउ इट इज E3, नाउ इट इज F6, नाउ इट इज G5। इसी तरह से कहीं पर भी आप स्क्रॉल करके क्लिक कर दो, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है ना देखने की, आपको यहां से पता लग जाएगा। अदरवाइज ऊपर आपके ये कॉलम और रोज ये डार्क हो जाते हैं, इससे भी आपको पता लग सकता है, राइट बेटा। तो अब हम चलते हैं आगे के कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर मैं कुछ डाटा आपके सामने बना देता हूँ, ABC 3 नाम मैंने ले लिए, उसके बाद मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, 45, 54, 56, 56, 57, 58। सपोज आई वॉन्ट टू मेक टोटल ऑफ देम, इनका मैं टोटल करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू साइन बहुत जरूरी है, मैंने अभी बताया था कि इट इज मस्ट। अगर ये नहीं करोगे तो कंप्यूटर को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, पहले इसके ऊपर क्लिक किया, C2 आ गया देखो, ठीक है, फिर मैंने प्लस साइन दबाया, ये ऑपरेटर हो गया, फिर क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया द टोटल विल कम, सम विल कम ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहां फॉर्मूला बार में अगर आप देखें यहां पर, तो इसका यहां पर तो आएगा फॉर्मूला, यहां पर तो आएगा ये देखो, यहां पर तो आएगा टोटल, और यहां पे आ जाएगा इस फॉर्मूले का बेस कि ये 101 आया कैसे, इसने यहां पे बता दिया है कि इक्वल टू C2 + D2। अब एक्सेल के अंदर आपको एक ही एफर्ट को बार बार करने की जरूरत नहीं होती है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एक्सेल। तो हम क्या करेंगे फिर इसको, एक को हमने कैलकुलेट कर दिया, दूसरे को भी आप यही बोलोगे कि दोबारा कर दें, नहीं, नो नीड ऑफ इट। आपको क्या करना है, एक को किया उसको सिलेक्ट करो, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां कोने पे नीचे एट द बॉटम राइट साइड वी हैव अ बॉक्स सिंबल, और व्हेनेवर आवर माउस पॉइंटर गोज टू दैट पर्टिकुलर बॉक्स इट विल कन्वर्टेड इन द प्लस साइन ऑटोमेटिकली। और जब प्लस साइन हो जाए तो उसको क्लिक करो और नीचे तक ड्रैग कर दो जहां तक आपको टोटल चाहिए, और उसको रिलीज कर दो माउस को लाइक दिस। अब क्या होगा, बाकी सबका टोटल भी अपने आप आ गया है, नाउ यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है बेटा। तो दैट इज द एग्जाम्पल हाउ वी कैन यूज अ फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। यहां पर आप ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वी आर गोइंग टू बैक टू द लेसन। ये बिल्कुल उसी तरह से एक मैसेज दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया जैसे मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कंपाउंड फॉर्मूला की, हाउ वी कैन यूज अ कंपाउंड फॉर्मूला लाइक दिस। वेट, अब मान लीजिए ये आ गया टोटल, अब मुझे इसका परसेंटेज भी निकालना है, परसेंटेज भी निकालना है, तो परसेंटेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक अलग से एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे कुछ और एक से ज्यादा ऑपरेटर्स मुझे यूज करने हैं।
जब एक फॉर्मूला में एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज होने लगे दैट दैट इज कंपाउंड फॉर्मूला। जैसे इसके अंदर हमने एक ही ऑपरेटर यूज किया है, दिस इज प्लस साइन, ठीक है। तो अब हम यहां से चेंज करते हैं इसको। मान लीजिए मुझे इसका परसेंटेज निकालना है और मार्क्स मेरे आए हैं मान लीजिए 100 में से, तो फिर वही इक्वल टू साइन, उस डाटा को मैंने सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा, और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 200, क्योंकि मान लीजिए एक पेपर 100 नंबर का है तो ये 200 नंबर टोटल हो गए और मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल, अगर ये 200 नंबर के पेपर हैं, मेरे आए हैं 101, तो ये आ गया मेरा 50.5%। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है, एक मेरे पास मल्टीप्लाई साइन यूज हो रहा है, एक मेरे पास डिवाइड साइन यूज हो रहा है, एक ही फॉर्मूला के अंदर। व्हेन वी यूज टू ऑपरेटर्स, टू सिंबल्स, टू साइन इन वन फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड फॉर्मूला, राइट बेटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड फॉर्मूला। इसको एंटर कर दीजिए, आपको आ जाएगा। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि पूरे हाफ ऑफ नंबर दे देते हैं ताकि 50% बनता है क्या, देखते हैं करके 50। ये देखिए पूरा 200 में से 100 आ गया, और ये 200 में से 100 आएंगे तो कितने परसेंट आ जाएंगे, 50%। दिस इज वेरी मच क्लियर। और सेम वही जाओ प्लस साइन पे आ जाएगा और इसको ड्रैग कर दो नीचे तक क्लिक करके। ये देखिए इस तरह से आपके परसेंटेज सामने आ जाएंगे। तो हमने दो टॉपिक अभी कवर किए। पहला हमने किया कि व्हाट इज फॉर्मूला, फिर हमने बताया कि व्हाट इज फंक्शन, और सबसे पहले हमने एक सिंपल फॉर्मूला का एक डेमो देखा, और उसके बाद फिर हमने कंपाउंड फॉर्मूला के बारे में भी जान लिया कि व्हाट इज कंपाउंड फॉर्मूला। उसके बाद फिर दोबारा बुक पे चलते हैं। इसके अंदर अभी बता रहा है कि यूजिंग फॉर्मूला ऑन टेक्स्ट व्हाट इट मींस, वी कैन आल्सो परफॉर्म एडिशंस ऑन कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप एक्सेप्ट फॉर एडिशन other application operations like subtraction, multiplication, division, etc. are not allowed on the string data type. मतलब कि हम alphabets के ऊपर भी plus कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं ये हमें जानना है। इसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए जैसे इसने किया कि enter formula equal to a1 plus b1 in cell c1 is press the enter key. देखो इसका example मैं आपको दिखाता हूं करके, यहीं पे कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा समीर, और यहां पे मैंने लिख दिया समीर वर्मा, ठीक है, जो भी होती है स्पेलिंग, या मैं लिख देता हूं विरमानी, राइट, समीर विरमानी। अब मैं चाहता हूं कि दोनों वर्ड्स मिलके यहां पे आ जाए, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, और पहले समीर पे क्लिक कर दो, फिर एंड साइन लगा दो, एंड साइन, और फिर विरमानी पे क्लिक कर दो और एंटर प्रेस करना है। ये देखिए दोनों वर्ड्स जुड़ के आ गए हैं, समीर विरमानी, ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर भी यानी अल्फाबेट्स के ऊपर भी प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस लिखने से नहीं आएगा। मान लीजिए मैं यहां पर कुछ लिखने की कोशिश करूं, समीर सॉरी F8 प्लस ये D8, एंटर प्रेस करूंगा तो इट विल शो एरर, ये एरर है, यानी कोई भी वैल्यू नहीं आई। इसके लिए प्लस साइन यूज नहीं होगा, इसके लिए क्या यूज होगा, एंड साइन यूज होगा, ये वाला साइन, ठीक है। तो ये एक छोटी सी हमारे पास एक कमांड थी जिसकी हेल्प से हम अल्फाबेट्स को भी टेक्स्ट को भी हम एडिशन में ले सकते हैं, और कोई फॉर्मूला इस पे काम नहीं करेगा, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ना माइनस, ना ही परसेंटेज, कोई बस सिर्फ इसको हम जोड़ सकते हैं वो भी एंड की हेल्प से। नाउ व्हाट इज सेल रेंज, जितनी भी सेल आप सिलेक्ट कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड अ रेंज। कैसे सिलेक्ट कैसे करोगे, लुक ये है जैसे मैंने यहां से क्लिक किया, क्लिक किए हुए ड्रैग करते हुए मैं यहां तक ले आया, ये जो मैंने रेंज सिलेक्ट की है दैट इज रेंज, जितने भी सेल्स मैंने सिलेक्ट कर दिए ये हमारी रेंज है, और ये रेंज कहां तक हो गई, ये हमारी B2 से लेकर E4 तक, यू कैन ऑब्जर्व, ये हमारी एक रेंज है, ठीक है बेटा।
तो इस तरह से हम कंप्यूटर के अंदर रेंज भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। ये एक दूसरा दूसरा तरीका भी कीबोर्ड की हेल्प से भी आपको ये बताया गया है कि आप कैसे इसकी रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक बार वो वाला फॉर्मूला भी करके देख लेते हैं, वो तरीका भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ किया, इसमें F8 बटन आपने दबाना है और शिफ्ट के साथ भी, या अगर आप नहीं भी F8 दबाना चाहते तो उसके बिना भी आप कर सकते हो। जैसे ये किया, शिफ्ट बटन दबाइए और जितना डाटा सिलेक्ट करना है एरो कीज की हेल्प से आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। एरो कीज, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एरो कीज, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो आप वो हर एक कीपैड में आपको मिलेगा, तो आप उसकी हेल्प से इसको ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल यूजिंग रेंज इन अ फॉर्मूला। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप कैसे एक रेंज को फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको यहीं पर करके दिखा देता हूँ। एक और मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ जिसमें मार्क्स हम डाल देंगे। मान लीजिए 50 मैंने डाल दिया, 65 और 68। ठीक है, तो यहाँ पर अभी टोटल चेंज मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इक्वल टू साइन, फिर मैं लिखूंगा सम और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है मैंने। और पहले स्टार्ट कहां से होगा, यू कैन ऑब्जर्व, यहां से C2 से। अब मुझे दो डाटा और मैंने लेने हैं, एक ये लेना है एक ये वाला, यानी D2 भी मुझे चाहिए, E2 भी मुझे चाहिए। तो रेंज में लेने के लिए हमें क्या करना होगा, शिफ्ट की हेल्प से L के बराबर में एक बटन होता है जिसपे दो निशान नजर आएंगे, कॉलम और सेमी कॉलम। आपको शिफ्ट की हेल्प से ये करना है, ये कॉलम आ जाएगा शिफ्ट की हेल्प से। उसके बाद लास्ट जो आपको उठाना है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये बाकी बीच का चाहे कितने भी डाटा है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा और फिर ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है। इसको बोलते हैं रेंज इन अ फॉर्मूला। ये जो रेंज है देखो, इस कॉलम का मतलब होता है टू से, सेम मींस कि C2 से लेकर E2 तक। ठीक है, तो नहीं तो मैं क्या करना पड़ता, C2 प्लस D2 प्लस E2। तो उस मुसीबत से बचने के लिए हम क्या करते हैं, C2 कॉलन और E2, यानी C2 से E2 तक, राइट, देन प्रेस एंटर की। ये आ गया टोटल, यू कैन ऑब्जर्व टोटल आ गया 150। और सेम वे में वही ड्रैग कर दो प्लस साइन आने के बाद और नीचे तक टोटल आ जाएगा। परसेंटेज का वही करना पड़ेगा, इक्वल टू, ये किया, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 300 दिस टाइम बिकॉज वी हैव 3 सब्जेक्ट्स। 50% आ गया पूरा और उसके बाद ड्रैग कर दो नीचे तक, बाकी परसेंटेज भी आ जाएगा इस तरह से। ठीक है बेटा, तो ये अब अगर किसी रेंज को आपने नाम देना है, अगर आप किसी रेंज को नाम देना चाहते हो और उस नेम को बार बार यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद उसको नेम देना पड़ेगा, डिफाइन नेम। और वो होगा कैसे, ये मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे एक ये रेंज है, आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूलाज में जाओगे आप, फॉर्मूलाज टैब के ऊपर ऊपर यहां पे, ठीक है, और उसके बाद डिफाइन अ नेम, ये डिफाइन नेम्स ग्रुप के अंदर डिफाइन अ नेम, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो एक ये बॉक्स नजर आ जाएगा आपको। देखो इसका नाम मान लीजिए मैंने दे दिया फोर सम, ये मैंने नाम दे दिया इसी वर्कबुक में या शीट वन में। पूरी वर्कबुक करोगे तो जितने भी, जैसे शीट वन इसमें बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, और जितने शीट आप लेते चले जाओगे सब में ये रेंज काम आएगी, अगर इसको वर्कबुक रहने देते हो आप। अगर आप कर देते हो सिर्फ शीट वन तो ये शीट वन के लिए रह जाएगा, शीट टू में काम नहीं आएगा। मैंने कर दिया वर्कबुक, ओके किया, इसमें स्पेस नहीं आएगा आई थिंक, ओके कर दिया, यस। अब आप देखिए जहां पे नेम बॉक्स था वहां पर आपको ये रेंज मिल जाएगी। मान लीजिए यहां पे मैंने किया इसको, इसका फायदा क्या है, क्यों यूज करते हैं, एक बार मैंने रेंज बना दी, अब मैं जहां पे जाऊंगा और फॉर्म कर दूंगा, जैसे मैंने फॉर्म किया ये डायरेक्टली उसी रेंज पे पहुंच जाएगा। ये देख लीजिए आप, मान लीजिए मैं शीट टू में आ जाता हूँ प्लस करके, और यहां भी जाके अगर मैंने फॉर्म कर दिया तो ऑटोमेटिकली शीट वन पे जाएगा और डायरेक्टली उस रेंज को अपने आप सिलेक्ट कर लेगा जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है,
तो इसलिए हमें उस रेंज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इस रेंज का एक नाम दे देते हैं, राइट बेटा। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट भी पूरा हुआ। आगे आप लोग, बुक है आपके पास, सभी के पास नहीं है तो प्लीज परचेज इट फ्रॉम द स्कूल इमीडिएटली सो दैट वी कैन कवर एस आवर लेसन वेरी क्विकली। तो ये हमने यूज कर दिया, ये सारे कमांड मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। सेल रेफरेंसेज एंड इट टाइप्स, वी विल कवर दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज दिस इज वेरी यूनिक एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एक्सेल एंड वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, राइट। तो इसको बड़े ध्यान से हमने देखना है, बट आई विल कवर दिस टॉपिक इन माई नेक्स्ट लेक्चर। तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, एनी कंफ्यूजन, कोई भी ऐसी परेशानी आती है क्योंकि कमांड नहीं समझ आती है, तो यू ऑल हैव माई नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, राइट। माई ऑन द सेम नंबर आई हैव व्हाट्सएप, राइट। सो यू कैन राइट यूर क्वेश्चन, राइट यूर कन्फ्यूजन और क्वेरी, यू आर मोस्ट वेलकम एवरी टाइम बेटा, ठीक है। लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। और बुक के लिए मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि परचेज योर बुक एज अर्ली एज पॉसिबल इफ यू डोंट, ठीक है। अगर अब तक नहीं लिया है तो अपने बुक को खरीद लो जितना जल्दी हो सके। वैसे इसीलिए मैंने इस लेसन के तो प्रिंट आपको एक पीडीएफ बना के दे दिया, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट सेंड दिस काइंड ऑफ पीडीएफ। सो प्लीज परचेज योर बुक फ्रॉम द स्कूल, ठीक है, और या जहाँ से भी आपको ही मिलती है बुक, मतलब स्कूल से ज्यादा ज्यादा कन्वीनियंट होगा क्योंकि वो नॉर्मल दुकान पे नहीं मिलेगी, या आपको करनाल जाना पड़ेगा फिर, राइट बेटा। तो अगेन वी कैन डिस्कस ऑल द टॉपिक। आज हमने किया क्या, आज हमने कर दिया एक तो क्या एक्सेल के अंदर रेंज वगैरह, ठीक है, रेंज को नाम देना, साथ साथ इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट, फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सेल रेफरेंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट, फंक्शंस, कैसे हमने इसको यूज किया क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड फॉर्मूला के अंदर हमने बात की, जिसके अंदर हमें एक से ज्यादा ऑपरेटर जब हम यूज कर लेते हैं, ये सिंबल्स यूज कर लेते हैं, जैसे ये दो मल्टीप्लाई का है और एक डिवाइड का है, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड फॉर्मूला। और फॉर्मूला हम एडिशन के लिए सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, सेल रेंज क्या होती है, उसका नेम कैसे रखते हैं, उसका यूज कैसे किया जाता है, फॉर्मूला के अंदर एक रेंज को कैसे यूज किया जा सकता है, रेंज को नेम दे दिया और उसको आगे हमने यूज कर लिया। तो यहां तक का टॉपिक मैंने बेटा कवर किया। अब सेल रेफरेंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिलेंगे। टिल देन प्लीज बी सेफ और स्टे एट होम, यू कैन से दिस, राइट बेटा। सो ऑल द बेस्ट। इस लेसन को अच्छे से आपने रीड करना है और अच्छे से इसको कमांड्स को करके देखना है, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।